जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने. आज भी नई मेहमान होंगी, नई रेसिपीज हमें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि हर बार हम अपने शो पर आपको सिखाते हैं और नए लोगों से मिलवाते हैं. और ऐसे बहुत सारे ज़िंदगी के काम होते हैं, हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं, जिन्हें हम एक ही पैटर्न पर करते चले जाते हैं और अपना वक्त गुजार देते हैं और एक दिन ये ज़िंदगी भी गुजर जाती है. और इसी आदतों के साथ, इन्हीं सोच के साथ हम ये नया साल भी ना ऐसे ही गुजार देंगे. तो कल मैं यही बात कर रही थी कि अब इस नए साल में आप नया क्या करेंगे. अब कुछ नया ना किया तो फिर क्या, फिर क्या किया, फिर कुछ ना किया. एक काम मैं सोच रही थी, आप लोग भी ज़रा कीजिए और अपने आप से एक वादा कीजिए, एक कमिटमेंट कीजिए. और एक ऐसा काम है, बहुत ही छोटा सा काम है, आसान है या मुश्किल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आपको कोई भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, ना ही घर से बाहर जाना पड़ेगा, ना ही किसी को मनाना पड़ेगा, ना ही जेब खाली करनी पड़ेगी, ना पैसे खर्च होंगे, ना ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा. एक ऐसा काम सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचना है, अपने अंदर अच्छा चलाना है. ये कर सकते हैं आप लोग. सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, मुश्किलात चाहे जितनी भी हो, परेशानियां लाइफ में आएंगी, लोगों की बातें भी बुरी लगेंगी, लोगों की बातों पर गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये सारी हमारी पुरानी आदतें थी ना. अब हमने अपने अंदर अच्छा चलाना है. कोई अच्छा करे या बुरा करे, किसी का रवैया अच्छा आपके साथ नहीं भी है, तब भी आपने उनके लिए अपने अंदर से दुआएं ही देनी है, ब्लेसिंग्स ही देनी है, यानी कि अच्छा चलाना है. फिर कहेंगे ये कैसे मुमकिन है, अगर कोई हमारे साथ बुरा करे हम उसके साथ अच्छा कैसे कर सकते हैं, अच्छा कैसे सोच सकते हैं, इट्स नेचुरल कि हम उनके बारे में, उन्होंने तो बुरा किया ही था, कैसे हम अच्छा कर लें. चलें आप अच्छा नहीं करते तो बुरा भी ना सोचें, इतना ही कर लीजिए. कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए इस तरह से दुआएं देना, जो इतना बुरा करे हमें, हमारे साथ इतना उसका ऐसा रवैया, कैसे. तो आप कम से कम बुरा ना सोचें उनके लिए, वही एक अच्छा हो जाएगा. तो एक वादा इस साल अपने आप से कीजिए, एक कमिटमेंट कीजिए कि मैं अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छा चलाऊंगी, अच्छा सोचूंगी हर किसी के लिए, क्योंकि मैं अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और अपनी सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखूँगी, और मेरी हर सोच मेरी सेहत का ख्याल करती है, मेरी सेहत पर असर करती है. तो ये वादा आप कीजिएगा. और आसान है या मुश्किल ज़रा कॉल करके बताइएगा. आज की रेसिपीज़ के हवाले से मज़े की रेसिपीज़ होंगी. कल हमारी रेसिपीज़ अनफॉर्चुनेटली पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, लेकिन हमारी गेस्ट का इसमें कसूर नहीं है. रेसिपीज़ थी भी बहुत लंबी, हमारे से ही थोड़ा सा लाइनअप ऊपर नीचे सरा हो गया था. लेकिन कल का शो देखकर जो हमारी आज की गेस्ट है ना, वो बड़ी अलर्ट हो गई हैं, मोहतात हो गई हैं और डबल डबल काम कर कर आई हैं. एक चिकन बना के भी लाई हैं, एक चिकन यहाँ भी बनाएंगी. ऐसी कोई बात नहीं, कभी ऐसा होता नहीं है. लेकिन आइए ज़रा हम उनको वेलकम करते हैं. ये भी एक स्टूडेंट है और इनको भी शौक़ है कुकिंग का. इसके अलावा इनकी अम्मी की ख्वाहिश थी, वो मसाला चैनल बहुत शौक़ से देखती हैं. श्री नापा उनकी फेवरेट हैं और मुझसे मिलने का उनको बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना शौक़ था, और आज वो इतनी खुश हो रही हैं अपनी बेटी को इस शो में देखकर. आइए ज़रा माहीन को वेलकम करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइवली वीकेंड्स. अस्सलाम वालेकुम माहीन, आइए आइए, क्या हाल चाल है. माहीन थोड़ा सा घबरा रही थी सिर्फ आप लोगों से, यानी कि ये कैमरे से, कैमरे को देखो ही नहीं तो मुझे देखो, क्या हाल चाल है. अल्लाह का शुक्र. अच्छा माहीन क्या कर रही हो ये बताओ सबसे पहले. मास्टर क्लास पाकिस्तान की स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, एंड वहाँ से मैं DICE का कोर्स कर रही हूँ, डिप्लोमा इन कल्नरी आर्ट्स. और ये होता है साल का. जी, वन ईयर प्रोग्राम. अच्छा, और अभी कितना आपका रहता है. मेरा ये एंड होने वाला है, हमारे जस्ट पेपर्स आने वाले हैं अभी. okay. इन जैन इंशाल्लाह हम पास आउट हो जाएंगे. सुने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. जी बिल्कुल है, क्योंकि मतलब अब काफ़ी रुझान कुकिंग की साइड पर आ रहा है एंड अब लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पहुंच रही है. पहले इस तरह नहीं होता था कि इन्फॉर्मेशन, अब मीडिया कह लें अच्छा है, हमारी रिसोर्सेज अच्छी हैं, सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए ना. पहले माशाल्लाह ही नहीं, पहले नहीं था. तो आगे का क्या प्लान है माइन, ये करके क्या करोगी. इंटर्नशिप. हाँ. उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह फर्दर स्टडीज इसी में करूँगी, इसी में इंशाल्लाह इंशाल्लाह वन डे मास्टर शेफ कहलाऊंगी. मास्टर शेफ पाकिस्तान, मास्टर शेफ माहीन नवाज. अच्छा ऐसा होता है, वो इंटरनेशनली भी आप जाएंगी. चलो ये आपका एक गोल है. मेरा गोल, ये अच्छी बात है, मकसद आपका है, अब उसके लिए आप मेहनत करें इंशाल्लाह. मैं शौक कहाँ से आ गया भाई कुकिंग का. मामा को देख देख के. मामा ये तो बनाती नहीं, वैसे मेरी मामा को नहीं, मुझे मामा को देख के आ गया था सब कुछ.
तैयार मतलब खुद बनाती थी. एक दफा की बात है, मामा सुबह फ्रेश हो रही थी, मैंने बाबा के लिए खुद पराठा बनाया था. एंड मैं थ्री क्लास में थी मैं तो. तो मामा आई, मामा कहती हैं ये क्या हो रहा है. अच्छा, बचपन से एक चीज़ थी कि परफेक्शन थी मुझ में, मेरा पराठा गोल था. अरे वाह, जबरदस्त. बगैर सिखाए मामा को देख देख के, कहते हैं ना जो देख रहा होता है इंसान, ऑब्जर्व कर रहा होता है, बहुत अच्छे से इम्पैक्ट पड़ रहा होता है उसका. सो वो इम्पैक्ट मेरा वहीं से आ रहा था, मामा को देख देख. वो यही कहते हैं ना कि जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो आप इफेक्ट करते हैं, वो आप बनते हैं. बिल्कुल वैसे ही, इसीलिए कहते हैं अच्छी इन्फॉर्मेशन अंदर डालें. अच्छा माहिन, हम आपसे अभी रेसिपीज़ के हवाले से भी पूछेंगे. ब्रेक आ गई है, ब्रेक लेते हैं और आपने आराम से आज आपका शो होगा. आप चिकन एक तो हमने ओवन में रख दी है वो रोस्ट होने के लिए, लेकिन उसकी जो रेसिपी है वो हम ब्रेक से आकर आपको उसकी सारी मैरिनेशन बता देंगे. तो ये काम हमारे एक ही सेगमेंट में हो जाए इंशाल्लाह. ठीक है जी, और आज का शो मिस नहीं कीजिएगा. एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तब तक हमारे साथ ही रहिए. थोड़ा सा इंतज़ार. Lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पक सब होते हैं. जी आ जाइए, आज माहीन अपने कारनामे दिखाएगी. हेलो माहीन, बहुत नर्वस थी जैसे ही ब्रेक लिया ना, क्यों क्या बात है, अब तो ठीक हो ना, अब आ गई अपने काम पर. ये बिल्कुल अच्छा जी. अब सबसे पहले आप क्या बता रही हो? हम बनाएंगे चिकन की, हम जो कर रहे हैं बटर की फिलिंग, हम इसको लगाकर चिकन के अंदर फिल करते हैं. कौन सी चिकन बना रहे हैं हम? बटर चिकन बनाकर इसको फिल करके कैविटीज की, हम इसको टकिन करेंगे, ऊपर से टकिन करके नीचे से इसके टाई करके ड्रम्स, और हम इसको ओवन में डाल देंगे. 180 होगी आई एम श्योर. बिल्कुल इसकी वो हाँ, मक्खन तो चेक करें कितना सारा. नहीं एक्चुअली इसकी ना ये अंदर फिल होगा स्किन के अंदर, बट आपको पता नहीं चलेगा, ये ड्रिप हो जाएगा. जाहिर सी बात है, कैसे नहीं पता चलेगा, उसका फ्लेवर आएगा, यम्मी होगा, स्किन का फ्लेवर आएगा. 500 ग्राम हमने लिया ये बटर. ठीक है, अब इसमें हम पार्सले ऐड कर रहे हैं. सही है, ये रेसिपी तो नंबर वन है, मैं अभी से बोल दूँ. और बनेगी भी इतनी सॉफ्ट है. अच्छा, पार्सले है, बटर है एंड लेमन. 1 टेबलस्पून लेमन जूस हमने डाला है. अब हम इसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि लेमन जूस बटर अच्छे से मिक्स हो जाए. एंड फिर हम इसके अंदर लास्ट में ऑलिव ऑयल डालेंगे. अच्छा, और फिर मिक्स करेंगे एक दफ़ा. अच्छा, ये इसकी फिलिंग. बिल्कुल, एक तरह से इसकी फिलिंग तैयार हो जाएगी ये. अच्छा, आपने कोई कट वट नहीं लगाए हुए ना चिकन को? नहीं, एक्चुअली हम इसकी स्किन में फिल कर रहे हैं तो उसके लिए कट्स की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये कहाँ से सीखी है माही? शेफ हादी. अच्छा, हमारे ऑनर, मास्टर क्लास के ऑनर, हमारे शो पे भी आ चुके हैं अब्दुल हादी. बिल्कुल, उनसे पूछिएगा जरा. आपको सलाम दिया शेफ मेहदी ने एंड शेफ रजा ने. आप लोग कहाँ हैं शेफ्स, इतने बिजी हो गए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में और सिखाने में, हमारे शो पर भी आइए. तो ये लोग तो शुरू में बहुत आए, और शेफ मेहदी तो वैसी शेफ मेहदी उसी तरह उनकी चल रही है. बिल्कुल, मास्टर क्लास में भी वही हैं. फ्रेंच डिजर्ट्स चल रहे हैं उनके. उनके अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी उनके साथ. अच्छा, तो काफ़ी टाइम हो गया उनको. अब हम इसको स्किन को इसकी ओपन करेंगे. ठीक है. अच्छा, और इसमें आप ये फिलिंग फिल करूंगी मैं इसके अंदर. ठीक है, एंड फिर हम इसे टक इन कर देंगे इसके विंग्स को. अच्छा, सिंपल सिर्फ यही चीजें हैं. बिल्कुल. अच्छा, गार्लिक वार्लिक आपने नहीं डाला? अभी हमने नहीं डाला, हम इसकी कैविटी में फिल करेंगे. अच्छा, वो अलग. एंड फिर हम इसके ऊपर हम इसकी सीजनिंग करेंगे. अच्छा, बट अभी हम जस्ट फिलिंग कर रहे हैं इसके अंदर से. बहुत मजे की रेसिपी लग रही है. डन हो गया. ठीक है, ऐसी फिंगर्स के साथ आप उसकी स्किन को थोड़ा सा सेपरेट करें. बिल्कुल, ताकि इसके अंदर फिलिंग चली जाए. ठीक है, डन हो गया. अब हम हाथ से हाँ इसके अंदर डालेंगे. माहिन, ये आप करके लेकर आई थी ना जो हमने अवन में रखी थी? बिल्कुल, हमने ये मैं करके लाई थी एंड हमने फिर आश्रय नहीं किया. माहिन ने कहा कि नहीं ये कुक हो ना हो, मैं एक बना के ले आऊं टेंशन फ्री. एक्चुअली टेंशन इस चीज की थी कि टाइम ड्यूरेशन में ये पूरा हो जाए. तो कैसा लग रहा है? तो अम्मी ने ख्वाहिश की थी. बिल्कुल, ये मामा की विश थी. हाँ, मामा बैठी टीवी एक दिन देख रही, शोज़ देख रही हमारे, और कहने लगी कि भाई काश मेरा बच्चा कोई आए इसमें. मामा ने बहुत हसरत से कहा था, तो मेरा बच्चा कोई क्यों नहीं आता, इतने शेफ्स आते हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं आते हैं. और ये कब की बात है? जब मैंने शेफ बनना स्टार्ट किया. अच्छा, मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था. अच्छा, साल तो हुआ होगा जी. हाँ, जून की बात है. अच्छा,
तो आपके साथ वो दो भाई हैं आपके? एक मेरे क्लासमेट हैं। अच्छा अच्छा। एंड हम लोग फ्रेंड बहुत अच्छे हैं हमारे ग्रुप में। एंड दूसरे मेरे भाई हैं। अच्छा, क्योंकि वो ब्रेक में आए ना अवन से, आपने निकाला वो पम्पकिन और दोनों इतने खुश हुए ना, वाओ परफेक्ट कलर। एक्चुअली जब आप इस तरह करते हैं ना कोई काम और सडनली आपके दोस्त आपको अप्रिसिएशन दे रहे होते हैं। हाँ हाँ, सही बिल्कुल। थैंक यू। माइक पर आ रहा था तो अच्छा लगता है। हम इसके अंदर जस्ट को फिंगर से हम इसको जितना है वो सारा आप उसके स्किन में ही अंदर कर रहे हो। स्किन के अंदर इसलिए कर रही हूं क्योंकि स्किन के थ्रू ही इसको मसाज हम करेंगे तो इसके स्किन के थ्रू ही इसके अंदर जाएगा फ्लेवर। ठीक है। एंड फिर हम ऊपर से। और अच्छा, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, हम ये बता देते हैं क्योंकि अभी हम फिर ब्रेक लेंगे। हाँ, आप बोलते रहो, मेरे माइक पर आती रहेगी आपकी तस्वीर। हाँ, जोर से बोलो। बस हम इसे आप बटर लगाते रहेंगे और उसको बात देते रहेंगे। तो सुनो, आपने एक ही साइड पे दिया है उसकी, अभी हम इसको टर्न करेंगे। हाँ अच्छा, ठीक है। फर्स्ट अच्छा, हम इसको वन साइड कर लें। फुल आपने बटर बाथ देना है चिकन को। यस, बटर बाथ। अब यहाँ से भी आप उसकी स्किन को ओपन करके, अच्छा यहाँ से हम पहले मसाज करेंगे और ऊपर से फिर हम डालेंगे। अच्छा ठीक है, पहले मैं मसाज कर रही हूँ ताकि इसको फ्लेवर मिल जाए। ठीक है। और इसमें जो है ना, आपने हाथों का अपनी वाइब्रेशन का वो सारा जायका चला जाएगा। वो तो मेरी जान, जो स्किन वाली चिकन होती है वो वैसे इतनी जूसी और यम्मी। उसके ऊपर हनी एंड सिनेमन एंड गार्लिक का ग्लेज आएगा लास्ट में। ये वाली घर ले जाओगी? नहीं, फिर क्या करोगे? यही बना देती हूं। हाँ ये सही है, इसको भी ओवन में डाल देंगे। हाँ, हम इसको डाल देंगे। पम्पकिन हो चुका है हमारा रोल। ठीक है, तो हम लोग चल पार्सले बटर एंड इसमें गया है लेमन जूस थोड़ा सा, जिसकी फिलिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से की है यहाँ स्किन पे। अब इसके अलावा भी क्या करना है? बस अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। हाँ, काफी सारा। अच्छा, ड्रिप हो। हाँ, तो अंदर जाए मगर जाया ना हो। ठीक है, इसको एज इट इज बेक करेंगे अभी और मजीद इसमें कुछ जाएगा डालेंगे। अभी हम इसमें ब्लैक पेपर, हाँ, सॉल्ट की सीजनिंग करेंगे प्लस हम नटमेग पाउडर डालेंगे। अच्छा, मैंने खुद किया है। ठीक है, मैं आपको ये दे देती हूँ, सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड ये नटमेग पाउडर। अब तो पिसा पिसा आया भी मिलता है। अच्छा जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, जब तक माइक शाइक भी ठीक करते हैं। ये प्रोसीजर आपने देख लिया है, ऊपर जो चीज़ें डालेंगे हम आपके सामने ही डालेंगे। अवन में क्या बेक हो रहा है ये एक सरप्राइज़ है, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। ये पम्पकिन सूप बना रही है और पूरे पम्पकिन को इसने बेक किया हुआ है और जो खुशबू आ रही है ना, आह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट माहीन आज हमारे शो पर, ये गोल्ड मेडल कहाँ और कैसे जीता था? कंपटीशन था कौतम की तरफ से। हाँ, लाइव कंपटीशन एक्सपो सेंटर में हुआ था। मैंने वहाँ 3 course कॉन्टिनेंटल मील बनाया। जबरदस्त भाई, अपनी टीम के साथ। टीम थी मेरी मुकीत, सैफ एंड मैं थी। वाह, और गोल्ड मेडल आपने विन किया। जी बिल्कुल, टीम ने हमारी। सबकी नजरें, उम्मीदें सब आपसे जुड़ी हुई हैं। जो बात। अच्छा जी, आ जाइए जरा चिकन। हम इसकी अब सीजनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये ब्लैक पेपर। ठीक है, खूब सारा मक्खन 500 ग्राम आपने उसमें पार्सले डाला, लेमन जूस डाला, उसका मिक्सचर बना के फिर थोड़ा ऑलिव ऑयल डाला। बिल्कुल। और उसकी फिलिंग हमने अच्छे, फिलिंग क्या की है, स्किन में फिल किया है, अंदर नहीं फिल किया था। अभी हम कैविटी फिल कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हम सीजनिंग कर रहे हैं अच्छे से पहले। ठीक है, सॉल्ट एंड पेपर। हाँ, एंड इसके बाद हम लोग डालेंगे अंदर लेमन हाफ। अच्छा, गार्लिक ग्लोव्स होल, इसी तरह से 4 garlic cloves। ओके, एंड 1 rosemary leaf। अच्छा, ये इसके अंदर, अच्छा इसका अपना फ्लेवर आएगा। बिल्कुल। अब हम इसे टक इन कर रहे हैं। विंग्स को हम टक इन करेंगे। ठीक है, ये टक इन हो गई हमारी विंग्स। एंड अब हम इनके ड्रम्स को अच्छा ऐसे थ्रेड से करेंगे। ठीक है, मैं देती हूँ आपको ये। डन। ये तो खैर आप वैसे ही बता दो, क्योंकि एक चिकन ऑलरेडी ये मैरिनेट करके लेकर आई हुई थी और आपने, हमने वो ओवन में रखा हुआ, वो अभी हुई तो नहीं है ना? बस ऑलमोस्ट हो गई है वो भी हमारी। सही। और उसको खुला ही आपने बेक किया है? जी बिल्कुल, मैंने उसको खुला किया। कोई फॉइल शॉइल कुछ? अभी मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसको नीड ही नहीं थी, बटर काफ़ी है। सही है। सो हमने कुछ बटर मोर देन काफ़ी है। बिल्कुल ठीक है, बस ये हमने यहाँ टक इन करना है इसको। अच्छा, आपने नटमैग भी डाला है? जी, अब मैं नटमैग इसका लास्ट में ऊपर फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ। एंड अब इसे हम जस्ट ओवन में डालेंगे, ओवन में डालेंगे 180 degrees Celsius पे बेक होगा। प्री हीटेड ओवन होगा 200 Celsius पे। अच्छा सही। ठीक है, अब हम इसे हटा देंगे और अपनी दूसरी रेसिपी। ये हमने पम्पकिन को रोस्ट किया है
ये पम्पकिन है, इसको हमने रोस्ट किया है पूरा का पूरा मीठा कद्दू जी, इसको हमने रोस्ट किया है 200 सेल्सियस पे प्रीहीट हुआ था, 180 हाँ। पे हमने इसको बेक किया है एंड इसके अंदर हमने रोजमेरी हाँ। रोजमेरी लीफ था एंड गार्लिक ग्लोव्स थे, इसको हमने रब करके ऑलिव ऑयल की कोई ग्रीसिंग करके, कुछ नहीं नहीं सीजनिंग हमने अभी नहीं डाली थी क्योंकि हम इसका सूप बना रहे हैं। अच्छा तो सूप जब बनाएंगे तब हम करेंगे। ऑलिव ऑयल अंदर ही डाला, अंदर भी था एंड इसकी ग्रीसिंग भी हुई थी ऊपर ऑलिव ऑयल, बट अब वो कुक हो गया है पूरा, इसका कलर आ गया बहुत प्यारा और अब हम इसे जस्ट फ्लैश आउट करेंगे, इसका फ्लैश जितना है अंदर से गूदा निकाल लेंगे, गूदा निकाल के ठीक है एंड फिर हम इसे सूप बनाएंगे। अच्छा सही है। अब बख्तियार ये ले जाइए तो हम यहाँ रख दो, वो यहीं से ग्लव्स भी वहीं छोड़ देना, यहीं से उठा लेंगे तो इनकी जो टीम आई हुई है ना वो ज़रा अंदर से इसका गूदा निकाल लेगी और सूप किस तरीके से फिर बनाओगी वो हम बता देंगे जी बिल्कुल जब वो फ्लैश होता है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं गार्लिक बटर मशरूम, हम स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है गार्लिक बटर मशरूम जी, और ये चिकन भी हम बता देंगे। ये देखो चिकन की रेसिपी में इंग्रीडियंट्स बहुत मज़ेदार हैं और कम है, सिर्फ ऊपर से काली मिर्च नमक और नटमेग पाउडर किया और अंदर आपने नमक काली मिर्च नींबू और रोजमेरी लीफ और लहसुन आपने डाले साबित जवे। रोजमेरी आपको ये वाली ना मिले तो आप वो जो ड्राई रोजमेरी जो मिलती है मार्केट में हम वो आप ले लीजिएगा ठीक है। अब हम आपको कहाँ से मिल गई थी वैसे ही? ना ही सुबह। अच्छा ठीक है, ढूंढी थी मुश्किल होती है टाइम शाइम वो मिल जाती है, फिर भी बेजल लीव्स वगैरह डन स्पैचुला हाँ क्या चाहिए स्पैचुला स्पैचुला। आप क्या बना रहे हैं माही? गार्लिक बटर मशरूम। गार्लिक बटर मशरूम ये वाला? अच्छा मैं ये वाला चूल्हे पे कर देते हैं डन, ये मैं बंद कर देती हूँ उसकी हीट कम। तो खूब सारा बटर लाई हो आज तो बिल्कुल है ना बिल्कुल इसमें इतना डल गया फिर ये भी गार्लिक। ये रेसिपीज किसने आपने आपकी ये बेस्ट रेसिपीज हैं ये मेरे शेफ्स की बेस्ट हैं जो मैंने उठा ली। अच्छा उनसे मशवरा किया बिल्कुल कि लाइव वीकेंड्स में जा रही हूँ क्या सबको पता है हमारे हाँ। मेरे इंस्टीट्यूट में सबको पता है। अच्छा कि मैं आ रही हूँ। अच्छा हमने ऑलिव ऑयल डाला बटर के बाद सही है, जब ये थोड़ा सा मेल्ट होता है बटर हमारा उसके बाद हम डालेंगे ये बटन मशरूम्स ठीक है। ये कैंड है हमारे पास फ्रेश भी मिलते हैं चाहे तो वो यूज़ कर लें ठीक है, बट हम कैना पीस बना रहे हैं इसके। अच्छा तो ये अच्छे लगेंगे उसमें ठीक है। चलें कुकिंग में सबसे ज़्यादा इंजॉय आप करती हैं को किस तरह की क्यूजीन? कॉन्टिनेंटल बिल्कुल। पाकिस्तानी वगैरह? पाकिस्तानी मुझे पसंद है बट इतना मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा लिमिटेड इतना है। कोई आर्ट नहीं है ना उसमें आर्ट नहीं है उसमें मसाले डाले आपने भुना है भुने भाने चढ़ा दिए बट ये भी बात नहीं है शेफ नाराज हो जाएंगे उसमें भी बहुत कुछ है। हाँ खाना बनाना बेसिकली है ही एक आर्ट हाँ। अगर आप दिल से बना रहे हैं तो आर्ट है। क्या चीज़ नहीं सही है इसके कैनापीस कैसे बनेंगे क्या मतलब इनको? इसको हम स्टिक्स पे लगाएंगे। अच्छा एंड वो कैनापीस बेसिकली वन बाइट स्नैक को कहते हैं हम लोग तो उसी के फॉर्म में ये है। अच्छा, ये स्टार्टर है हमारा। अच्छा, एक तरह से बस ये थोड़ा सा कुक होते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स में ये मिलते हैं ना बटर गार्लिक बटर मशरूम बिल्कुल बिल्कुल बट वो बॉल्स में सर्व कर रहे हैं बट इतनी महंगी डिश बिल्कुल बट ये कॉन्टिनेंटल है तो हम लोग इसको मैं पर्सनली पसंद करती हूँ कैनापीस क्योंकि वो आप चलते फिरते कोई भी खा रहा होता है। सही है इसकी सर्विंग भी हम उसी तरीके से करेंगे बिल्कुल सर्विंग उसके साथ करेंगे। बस ये थोड़े से अभी हमारे गोल्डन होंगे जब मशरूम्स तो हम इसके अंदर वाइट वाइन विनेगर डालेंगे। अच्छा उसके बाद हम इसके अंदर थाइम डालेंगे हाँ। फिर पार्सले एंड लास्ट में हम गार्लिक डालेंगे। गार्लिक का फ्लेवर जो आएगा वो बहुत इन्फ्लूज होगा इसके अंदर फ्रेशली फ्रेशली चॉप्ड है। आँच पीस सही है जी मुझे इसको गोल्डन करना है मशरूम ठीक है। मैंने कहा बीच वाले चूल्हे का इतना वो होता नहीं है तो अब करती हूँ मैं थोड़ा सा तेज। हाँ तो कल का शो भी देखा था आपने हमारा? जी मैं डर गई थी थोड़ी सी थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर एग्जैक्टली अभी तक तो सही चल रहा है माहिर इंशाल्लाह हम टाइम में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर जल्दी जल्दी भागे हो गए दूसरी चिकन लेकर आए हो गए कि नहीं नहीं मैं एक तो करके ही जाऊँ। नहीं मैंने पहले भी ये प्लान किया हुआ था कि मैं इतना टाइम नहीं है यहाँ पर कि हम इतना वो दिखाएं। नहीं जैसे आपने ये किया इसको हम ओवन में रखते तो हो ही जाता बस मुझे खुद टेंशन थी मैंने कहा
एक्चुअली शेफ्स होते हैं ना वो अपने मीज़ एन प्लास पे बहुत फोकस करके चल रहे होते हैं, उनको ये होता है हम प्रेप्स अपने करके हर चीज़ पहले से कर लें। अच्छा जी एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो घर पे कौन कौन देख रहा है? आई डोंट थिंक सो, पापा पापा देख रहे होंगे, माइट बी पापा। अच्छा बट पुप्पो और खाला को बहुत इंटरेस्ट था, हाँ। वो लोग बहुत वेट कर रहे हैं, हम कॉल करेंगे बट उनकी कॉल नहीं। अरे उनका वो नंबर दे देना, हम कॉल कर लेंगे। डन हो गया। हाँ नंबर मिले ना मिले कम से कम। ये देखें अब ये गोल्डन होने स्टार्ट हो गए हमारे बटन मशरूम्स का। सही है। तो अब जो जैसे ही थोड़ा सा और कलर आता है इनका, क्रंची होते हैं थोड़े से क्रिस्पी, तो हम इसके अंदर फिर थाइम एंड इसके हर्ब्स वगैरह डालना शुरू कर दें। ठीक है। स्कैर्ब्स जाएंगे तो ये अच्छा फ्लेवर आएगा। क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? थाइम है, बेजिल है हमारे पास, फिर लास्ट में हम गार्लिक ऐड करेंगे। अच्छा। बट पहले हम वाइट वाइन विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर। मतलब सिंपल वाइट विनेगर है? नहीं वाइट वाइन विनेगर। अच्छा भाई वो लोग समझेंगे ये वाइन क्या, ये तो फिर गलत हो जाए। आप लोग वो यूज़ कर लें बट वो आप वाइन विनेगर मैं इसको कह रही हूं। हां जी यूज होता है। अल्कोहल नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है ये, अल्कोहलिक नहीं है, इसमें अल्कोहल नहीं है बिल्कुल भी। बट इसको इन्फ्यूज किया जाता है बेसिकली, तो इसको कहा जाता है वाइट वाइन विनेगर। सही है। अब इसका ये कलर आना शुरू हो गया बटर के साथ। ठीक है। अब हम इसमें ना वाइन विनेगर ऐड करेंगे थोड़ा सा। अच्छा जस्ट फॉर फ्लेवर। अच्छा सही है। अब इसका फ्लेवर फ्लेवर आ जाएगा जी। अब इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। मज़े के लग रहे हैं। हाँ खुशबू बाकी एकदम से उब कर आई है वो बटर के साथ। प्यारी लगती है। अब हम इसको थोड़ा फ्लेम आहिस्ता कर देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थाइम। ठीक है। वन टीस्पून हम थाइम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए। खाने में कौन से खाने अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी या ये कॉन्टिनेंटल? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, ये सारे जी। अरेबिक भी अच्छे होते हैं, टर्किश। हाँ, आजकल टर्किश हाँ, का बहुत चल रहा है तो वो इस तरह के अच्छे लगते हैं खाने। पाकिस्तानी एक्चुअली बचपन से खाए भी बहुत हैं, बनाए भी बहुत हैं, तो अब बोर हो गई हूँ शायद। बोर हो गए? अच्छा या तो टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो मुझे तो वैसे ही वही खाने पसंद है पाकिस्तानी। ये पार्सले जी बिल्कुल। ठीक है। एंड लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक, ये थोड़ा सा कुक हो जाए, फ्लेवर आ जाए। अच्छा आपने सॉल्ट नहीं ऐड किया? अभी मैंने नहीं किया, बिल्कुल एंड में होगा क्योंकि अदरवाइज ये वाटरी हो जाएगा। सॉल्ट के अंदर वाटर कंटेंट बहुत होता है ना। ठीक है ठीक है। वरना पानी बिल्कुल। ठीक। अभी ये प्यारा सा ये कलर आ गया है हमारा इनके ऊपर मशरूम्स पर। थाइम है और पार्सले डाली है और ये गार्लिक, वन टी स्पून फ्रेश गार्लिक हमने डाल दी है। अब इसका फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े के लग रहे हैं। अच्छा वैसे मुझे ऐसा खाली खाने में नहीं होता मशरूम। अच्छा बट आप ये टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत सैंडविच वगैरह में, पिज्ज़ा वगैरह में, पास्ता में इसका हो तो फ्लेवर बट बहुत अच्छा आता। हाँ वो लग रहा है अपना। डन, ये ऑलमोस्ट डन है। बस अभी हमारे गार्लिक के ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा कलर, तो हम भी उसके बाद उतार लेंगे इसको। ठीक। और फिर अच्छा, हम सीजनिंग ऐड करेंगे। एक तो माहिन हमने ये चिकन बना ली है बिल्कुल, और एक हमारा ये है और एक हमारा पम्पकिन सूप है। अभी हम जब ब्रेक से वापस आएंगे बिल्कुल पम्पकिन सूप जा रहे हैं। हाँ पम्पकिन सूप बस ये हमने सीजनिंग ऐड कर दी और ये तैयार है हमारा। काली मिर्च, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ठीक है ठीक है ठीक है। इसकी सर्विंग जिस तरह करनी है हम इसे कैनापीस बनाएंगे। ठीक है। टूथपिक पर, टूथपिक कह रहे हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं आपकी अपनी पसंद है। सही है। इसको हम सजा लेते हैं भाई। मशरूम्स, बटर मशरूम्स तैयार हो गए हैं। बटर चिकन एक ऑलरेडी है, वो ज़रा अगर कुक हो गई होगी तो उसकी भी हम अभी बस वो निकालेंगे। अब ब्रेक से आने के बाद पम्पकिन सूप है जी बिल्कुल, हम पम्पकिन सूप बनाएंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। और आप लोग कॉल कर सकते हैं हमें, बताइए कि इस नए साल में आप नया क्या कर रहे हैं, क्या नया चेंज अपने अंदर ला रहे हैं, और जो एक चैलेंज कह दीजिए इसको, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, क्या ये कर सकते हैं आप लोग? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। चिकन विद पम्पकिन सूप। अच्छा साबित चिकन एक अदद, लहसुन एक गट्ठी, मक्खन 500 ग्राम, जैतून का तेल हसबे जरूरत, लीमू का रस हसबे जरूरत, रोजमेरी हसबे जरूरत, पार्सले हसबे जरूरत, नमक, काली मिर्च, सीजनिंग के लिए शहद एक चौथाई खाने का चमचा,
دار چینی ایک چائے کا چمچہ سفید سرکہ تین کھانے کے چمچے جائفل آدھا چائے کا چمچہ لیمو کا رس دو کھانے کے چمچے پمپکن ایک پاؤنڈ ایکسٹرا ورجن آئل چار چائے کے چمچے پیاز ایک عدد کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ دار چینی ایک چائے کا چمچہ نمک ایک چائے کا چمچہ پسی جائفل آدھا چائے کا چمچہ پسی کالی مرچ آدھا چائے کا چمچہ تھائم ایک چٹکی سبزیاں چکن کی یخنی تین کپ کاجو پیوری آدھا کپ ترکیب اون کو پہلے 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر بیک کریں پھر زیتون کا تیل پگھلا مکھن اور لیمو کا رس چکن پر لگا دیں اب نمک کالی مرچ پارسلے جائفل لہسن روز میری اور لیمو کا رس ڈال کر چکن بیک کریں سوپ کے لیے اون کو پہلے 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کر کے پمپکن کو 45 منٹ سے ایک گھنٹہ بیک کریں اور کچل لیں اب پین میں تیل گرم کر کے لہسن دار چینی نمک جائفل اور کالی مرچ 30 سیکنڈ بھونیں پھر 3 کپ چکن یا سبزیوں کو یخنی شامل کر دیں اور پمپکن شہد سفید سرکہ ایکسٹرا ورجن آئل پیاز دار چینی تھائم ڈال کر اسپائس مکسچر مکس کریں اور تیز آنچ پر ابالیں اس کے بعد دم پر چھوڑ دیں پھر چولہا بند کر کے کاجو پیوری مکس کر لیں آخر میں بول میں نکال کر چکن کاٹ دیں اور سوپ میں ڈال کر سرو کریں ہر گھر میں جب سب ہوتے ہیں سار ہوتی ہے پیار آ جائیں جی انتظار کر رہی ہے چکن کی ذرا شکل دیکھیے او ہو ہو کیسے آپ خوش ہوئی تھی اس کو دیکھ کر یہ کر کے پرفیکٹ چکن بنی ہے اینڈ ویری سافٹ اور بالکل گلی ہوئی اینڈ جوسی وہ اس کی شکل بتا رہی ہے یہ دیکھیں ویری گڈ ریسیپی بھائی اب یہ میرا خیال سے یہ دوسری ایک روسٹ ریسیپی ہے جو میں اب ٹرائی کروں گی کیونکہ مجھے وہ بہت مسالوں والا روسٹ ویسے ہی نہیں پسند یہ ایسا ہے کہ اس میں جو بٹر لیکن میں تھوڑا سا بٹر آنیسٹلی مجھے بہت لگا تھا میں کم کر دوں گی بالکل اس کو ہاف کا ہاف کر دوں گی میں خالی اسکن میں کر دو اوپر بہت زیادہ نام نہ بھی کرو لیکن اس کو جب میں ٹیسٹ کروں گی نا یہ جب آپ سرو کرو گی نا تو تھوڑا سا میں اس کے چکن کا ٹانگ کا تھوڑا سا پیس لے کے ذرا سا چیک کروں گی اچھا اب آ جائیں ذرا سوپ پہ 4 ٹیبل اسپون اولیو آئل ڈال رہے ہیں ہم لوگ اس کے اندر ٹھیک ہے یہ وہ پمپکن کا گودا ہے جو ہم نے بیک کیا تھا صرف اولیو آئل اینڈ روز میری اینڈ گارلک ڈال کے اس کو بیک کر دیا تھا اچھے سے یہ سویٹ انین ہم لے رہے ہیں ون ٹھیک ہے اور یہ اولیو آئل میں ہی بن بالکل صحیح ہے پمپکن سوپ ویسے میں نے کبھی پیا نہیں ہے بہت مزے کا ہوتا ہے ہیلدی پلس ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے کیا ڈالا آپ نے گارلک ٹھیک ہے بھائی میرے پاس تو یہ پرانا اب وہ چکن دیکھ کر تو یہ انڈا پراٹھا لیکن انڈے پراٹھے کی اپنی ایک ویلیو ہے کل سے اس نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے مہینے بائی دو وے ٹینشن میں ہے نا بالکل کھلاؤں میں آپ کو تھوڑا سا انڈا پراٹھا چلو بسم اللہ تھینک یو ہاں جی اب ہم اسے سنمن پاؤڈر ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نٹمیگ پاؤڈر دار چینی نٹمیگ پاؤڈر الگ خوشبو آئی ہے ایک بہت پیاری اور نمک کالی مرچ ڈالا بالکل اب میں کالی مرچ اور نمک ڈالوں گی ٹھیک ہے جی ہیلو السلام علیکم السلام علیکم کیسی ہیں کرن میں تو بہت اچھی ہوں بہت خوش آپ کیسی ہیں اللہ خوشی رکھے ہمیشہ آپ کیسی ہیں الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے واقعی آپ کی دعائیں ہیں اور خوش رہنا چاہیے خوش رہنے وہی بات ہے نا جیسے آپ بتا رہے ہیں کسی نے برا کیا ہے تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ برا نہ کریں برا نہ کریں کوشش کیا کریں مطلب یہ اپنے لیے کریں اس کے لیے بھی نہیں اس کے لیے بھی نہیں اور جیسے سب سے بڑی بات کہتے ہیں کہ جو انسان اگر جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے ہاں ہاں بالکل لیکن اگر واقعی اپنا کوئی خیال کرنا چاہتا ہے نا صرف اچھا چلائے اچھا سوچے بالکل بالکل اور بھائی کو بھی السلام علیکم کہوں گی ہاں اور بہت اچھا اور یونیک سی ریسیپی لے کے آئی ہیں بہت زبردست ہاں بھائی چکن دیکھی آپ نے جو ماہین نے ابھی بنائی ہاں اچھی لگ رہی ہے اور بس ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہم یہ مسئلہ ہے وہ میں بتا دوں گی آپ کو باقی آپ کا پروگرام تو ویسے ہی ماشاء اللہ بہت زبردست ہوتا ہے اور نئے سال کے حساب سے آپ کے لیے آپ کے چینل کے لیے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو اور زیادہ ترقی دے اور اس طرح اچھے اچھے کھانے بناتے رہے اور ہم سیکھتے رہے اور کیونکہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ابھی کے نہیں ہم ہاں کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے اس سے اور اچھے اچھے کھانے ہم نے بھی بنائے اور ہم نے بھی ڈانٹ وسیل کی ہے اور ماشاء اللہ اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں تھینک یو لیکن اس نئے سال میں کیا آپ یہ کریں گی اپنے آپ سے وعدہ کہ میں صرف اچھا سوچوں گی اب بالکل اور کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں میں نے کرن کافی دفعہ بہت لوگوں سے کیا ہے
कि मैं उन सब के साथ अच्छा करती हूँ. मुझे आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मैं उनके साथ अच्छा ही करूँ और अच्छा ही सोचूँ. उनका भी पहले उनका अच्छा सोचे तो फिर खुद बहुत अल्लाह ताला अपने रास्ते आसान कर देता है. सही है जी. बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. शो देखिए और एंजॉय कीजिए. पम्पकिन सूप भी बहुत डिफरेंट लग रहा है बाय द वे. अच्छा, आपने लिया ऑलिव ऑयल, प्याज लिया चॉप्ड, उसको सौते किया, गार्लिक डाला जी, फिर आपने डाल दी सीजनिंग्स बिल्कुल सारी, जिसमें नमक, काली मिर्च, दालचीनी पाउडर जी बिल्कुल, और सिनेमन पाउडर जी. अब आपने जो गूदा था पंपकिन का जी, वो पूरा रोस्टेड गूदा हमने इसके अंदर डाल दिया. ठीक है, उसको थोड़ी सी भुनाई की बिल्कुल. और ये क्या है? चिकन ब्रॉथ. अच्छा, ये यखनी है. ये किस तरीके से आपने बनाई? चिकन को पहले हमने रोस्ट किया. हाँ. आफ्टर दैट हमने 1 teaspoon इसके अंदर टोमेटो प्योरी ऐड किया. अच्छा. उसको अच्छे से फिर रोस्ट किया. आफ्टर दैट हमने उसके अंदर फ्लेवर डाले. चिकन मतलब होल चिकन लिया क्या? जो अंदर का स्केल होता है ना, स्कल होता है जो उसका पूरा, हड्डियाँ. अच्छा, हड्डियों का. ठीक है. और उनको रोस्ट किया? रोस्ट किया चूल्हे पे ही जी. नहीं, मैंने उसमें माइक्रोवेव ओवन में किया था. अच्छा, ओवन में किया था मैंने. और उसकी 200 उसका टेम्परेचर पहले था, 180 उसके बाद हो गया था. वो अच्छे से रोस्ट हुई. उसके बाद टोमेटो पेस्ट आप कर दें ब्रश, एंड आफ्टर उसको आप दोबारा रोस्ट करें. फिर आप वेजिटेबल्स जो आपके हैं उनको आप डालें. कौन से वेजिटेबल्स? सेलरी. ठीक है. उसके बाद मैंने उसके अंदर डाला है ये पार्सले, इन सबको, अनियन, स्वीट अनियन, इन सबको आप डाल के ठीक है दोबारा आप इसको ओवन में डाल दें. अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसका फ्लेवर सारा जितना अच्छा, है ना वो रोस्टेड का फ्लेवर बिल्कुल कहते हैं जी. फिर मैंने उसके अंदर पानी ऐड किया और उसको फिर पकाते, उसको ऑलमोस्ट उसकी टाइमिंग ज्यादा होती है, 6 to 7 आवर्स पकाते हैं. अच्छा अच्छा ठीक. ऑयल शॉयल तो नहीं है ना? नहीं, इसमें ऑयल वॉयल. अच्छा, तो पहले इन्होंने चिकन का जो वो हड्डियाँ होती हैं अब हम इसे पकने ओवन में रोस्ट किया. जब उसका रोस्ट का कलर आ जाएगा उसमें फिर टमाटो पेस्ट लगाया, उसमें वेजिटेबल्स डालें जिसमें सेलरी था, उसमें आपका पार्सले था, अनियन था, वो डाल के फिर उन सब्जियों को भी साथ हड्डियों के साथ रोस्ट किया. जब वो सब रोस्ट हो गई फिर पानी डालकर इसका वो एक अलग ही खुशबू आएगी. ये ख़ास कॉन्टिनेंटल जो है ना, या अल्लाह, ये मेरे डिज़ाइनर के कपड़े ना ख़राब हो जाएं. सैमी के ढक दो. अच्छा जी, एक और कॉलर. ये पराठा नहीं खा पा रही मैं, खैर कोई बात नहीं. अस्सलाम वालेकुम. एक निवाला नहीं ले पा रही. मैं तो बहुत अच्छी खुशहाल, फरिश्तों जैसी चाल. फरिश्तों तो नहीं, आज तो परियों जैसी चाल है. माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. आप बताइए. हाँ जी, वादा करेंगी अपने आप से? हाँ जी, मैंने वादा कर लिया. लास्ट ईयर भी किया था और इस दफा और मोटिवेशन से कर लिया आपके कहने पे. लास्ट ईयर पॉजिटिव ही सोचना है. और किरण आपको मैं याद हूँ, मैं लास्ट सैटरडे आपके साथ मैं शो करके गई हूँ फैसलाबाद से नवीदा. हाँ, की शक्ल नहीं याद आ रही आपको? याद है? मैं हेल्दी भी थी, ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था मैंने. अभी मैं तस्वीरें कोई देखती हूँ फेसबुक पे. आपने कल एयरिंग पहने थे तो वो मेरे वाले थे, बहुत प्यारे लग रहे थे. बिल्कुल याद आ गई. अरे वो वेलवेट का सूट पहनकर आप आई थी. शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह याद आ गया. शादी के लिए आई थी है ना? हाँ जी बिल्कुल. शादी भी आई थी तो फिर मैंने शो भी किया था. बहुत मजे से शो किया था. बिल्कुल याद है. और मैंने कल आपकी दीवी एयररिंग्स भी पहनी थी और वो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी. थैंक यू किरण, आपने मेरा गिफ्ट है ना, मुझे बड़ी खुशी. कल मैं कोशिश करती थी आपसे बात करूं लेकिन नहीं हो सकी. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अच्छा लगता है आप लोग शो देखते हैं, शो को पसंद करते हैं. अच्छा भाई, हम ब्रेक ले लें? बिल्कुल. ये हमने चढ़ा दिया सूप. बिल्कुल. अब हम आएंगे तो मछली की मैरिनेशन करेंगे. चलें जी, जब तक मैं अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस ये अंडे पराठे में डालती हूँ. पता नहीं बनाने वाले ने इसको किस थॉट के साथ बनाया था, उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन जो भी चल रहा था मैं इसको क्लेंस कर देती हूँ अपनी थॉट्स के साथ बिस्मिल्लाह पढ़कर. और ये अल्लाह ताला की नेमत है जो मुझे नसीब हो रही है. इसमें अल्लाह की ताकतें, अल्लाह का नूर शामिल है. और ये मेरे अंदर सब्र और शुक्र पैदा कर रहा है. मैं अपने मकसद पर लगी हुई हूँ. मैंने अपने आप से वादा किया है कि इस साल मैं सिर्फ अच्छा चलाऊँगी और इससे मुझे हमेशा, मैं अपने अंदर अच्छा चलाती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, अच्छा बोलती हूँ, अच्छा करती हूँ, हर एक के साथ अच्छा अच्छा रहती हूँ. ब्रेक ले लीजिए. गार्लिक मशरूम्स, अजसा, फीका मक्खन 4 खाने के चमचे, जैतून का तेल 1 खाने के चमचा, बटर मशरूम 500 ग्राम, सफ़ेद सिरका 2 खाने के चमचे, थाई में खाने के चमचा, कटे पार्सले 2 खाने के चमचे, कुचला लहसुन 4, जवे नमक, काली मिर्च हसबे ज़ायका. तरकीब,
पैन में मक्खन और जैतून का तेल गर्म करके तेज आंच पर मशरूम 4 से 5 मिनट पकाएं, फिर सिरका डालकर 2 मिनट पका लें। अब थाइम, पार्सली और लहसुन डालकर 30 मिनट पकाएं, उसके बाद नमक और काली मिर्च मिलाएं, फिर पार्सली शामिल करके पकाएं, आखिर में डिश में निकालकर गर्म सर्व करें। हाँ जी, ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा, एक स्टेप ये चिकन का आप लोग देख लीजिए, ये आप जो ग्लेज कर रहे हो ये क्या चीज़ है ये पहले बताना। हनी, हाँ? इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल, हनी एंड गार्लिक ऐड किया है। अच्छा। और सिनेमन पाउडर जो हमने पहले भी यूज़ किया। ये पूरी चिकन हो जाएगी बिल्कुल, ये फाइनल है, इस पर ग्लेज आएगा एंड ये फाइनल है हमारी। शहद है, गार्लिक है और इसमें सिनेमन पाउडर है जी, बिल्कुल 3 चीज़ें हैं बिल्कुल, और ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल मैंने डाला, ऑलिव ऑयल। अच्छा, इससे थोड़ा सा ये गीली गीली और एक स्वीट फ्लेवर। बिल्कुल, वैसे ये ऑप्शनल है आप करें या ना जी, बिल्कुल तभी वो हो गई थी काफ़ी मज़े, बट वो एक ग्लेज आया था चिकन पर, तो ये कंप्लीट रेसिपी है ना, लेकिन ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। चलें, और इसको 5 मिनट के लिए अवन में, हम बस अवन में डालेंगे ग्लेज। ठंडी है, ऐसी रख दो। ठंडी है? हाँ, ग्लव्स की पहन रही हूँ, ठहरों में खोलती हूँ। मैंने कभी तो काफ़ी टाइम हुआ ना हमने इसको निकाले। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट के लिए है, बिल्कुल हल्का सा वार्म हो जाएगा। अच्छा जी, सूप यहाँ पर तैयार हो रहा है पम्पकिन का। ये सूप तैयार है, बस हम इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे, ठीक है, एंड कैश्यू प्यूरी डालेंगे। कैश्यूज को मैंने वाटर के साथ पेस्ट बना लिया था, ठीक है। कितने काजू लिए थे? काजू बेसिकली 8-10 ज़्यादा थे, 15 तक थे शायद, 15 तक काजू थे। और सफ़ेद वाले काजू कोई रोस्टेड नहीं है क्योंकि उनमें नमक होता है, कॉन्टेंट ज़्यादा है नमक का उनके अंदर, उसका पेस्ट बना के वो डाल। बिल्कुल, बहुत ही मुख्तलिफ सूप लग रहा है। ये तैयार है, बस हमारा हम इसको छानोगी भी हैंड ब्लेंडर करके? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पम्पकिन रोस्ट हुआ है हमारा। सही है, अगर हमने दूसरी तरह डाला होता पम्पकिन तो फ्लेवर तो आ ही गया होगा ना, जरा सा चखो फ्लेवर। नहीं, या ब्लेंड करके चखो, ब्लेंड करके आप चखिएगा, आपको मजा ना हो मैं बोलूँ ये क्या बनाया, ठीक है जब कंप्लीट हो जाएगा तो। क्रीम श्रीम कुछ नहीं है? नथिंग, हम इसके अंदर, ये हेल्दी एक सूप है, पम्पकिन वैसे भी हेल्दी है तो इसको हेल्दी सूप की तरह हम ले रहे हैं। अब हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं। आ जाए जी अपनी अगली रेसिपी पे, पम्पकिन सूप भी तैयार है, चिकन भी तैयार है, अब आते हैं फिश पर। अब ये फिश बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल, हम इसके अंदर जस्ट सॉल्ट पेपर ऐड करेंगे एंड फ्लावर ऐड करेंगे इसके साथ। अच्छा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस इसको सीजनिंग अच्छी से करनी है हम लोगों ने। इसको ग्रिल चिकन के अंदर क्या करोगी? इसको हम पैन में सील करेंगे। अच्छा, ठीक है, पैन में सील, बता दो भाई क्या होता है। जस्ट आप पैन में रखते हैं उसको, हाँ। अच्छे से जब ये कलर आ जाता है दोनों तरफ, 3-3 मिनट्स हम रखेंगे, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बटर एंड गार्लिक रोजमेरी लीव डाल के इसके ऊपर उसको जस्ट हम पेस्ट उसको बार बार डालते रहेंगे, बटर करते रहेंगे। अच्छा। ताकि अच्छे से फ्लेवर इन्फ्लुएंस हो जाए उन तीनों का, ठीक है। अभी तो सिर्फ नमक, काली मिर्च और बिल्कुल कॉर्नफ्लावर नहीं, फ्लावर, फ्लावर मैदा, मैदा ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर। पैन रखना? बिल्कुल, हम पैन रखेंगे और ये वाला चलेगा फ्राइंग पैन जी, बिल्कुल। ये भी ऑलिव ऑयल में बनेगा या ऑलिव ऑयल में? लिटिल बिट सील होगा बट उसके हम कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं। हाँ, हम किफ़ाया का इस्तेमाल करते हैं ना, कोई सबके दिल को भाया थोड़ा सा किफ़ाया इस्तेमाल करें। हम इसके अंदर फ्लावर ऐड कर रहे हैं, ये मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ सीजनिंग ताकि अच्छे से उसके अंदर मर्ज हो जाए वो। अच्छा, मुझे बता दो कि ये कितना चाहिए क्योंकि आपको बहुत लिटिल बिट, थोड़ा सा जस्ट 1 टेबल स्पून आई थिंक, है ना, थोड़ा सा हल्का सा बस। थैंक यू। किफ़ाया की ख़ास बात यह है कि इसमें आप जो कुछ भी बनाएंगे वो बहुत जल्दी से आप हज़म कर लेंगे। 3 कुदरती तेलों से बनाया गया है किफ़ाया कुकिंग ऑयल, जिसमें सन सोयाबीन ऑयल है, कनोला ऑयल है, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है। हाँ, बोल दिया। अच्छा, ये आपने लगा दिया फ्लावर, नमक, काली मिर्च, बिल्कुल। अब ये सील होगा, बस इसके मार्क्स आएंगे अच्छे से। ये ऐसे क्यों कर रहा है? ये वो चूल्हा, मैं इसको थोड़ा सा और तेज, आँच इतनी सही है जी। हमने फिश रख दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है। और टेंशन में भी माहिन इस वजह से थी कि सारे देख रहे हैं ना, सीनियर्स और टीचर्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स होती है। अच्छा, एक मीठा है और मीठा भी हम अभी स्टार्ट करेंगे। मुझे बताओ माहिन, ये फ़िश के साथ कोई सॉस वगैरह बनाओगी? बटर सॉस,
बटर सॉस है, बटर लेमन सॉस होगी एंड वो बहुत मज़े की होगी। सही है, मैं यहाँ पे रख दूँ, फ्राइंग पैन में बना लेंगे थोड़ी सी, है ना, जब तक वो हो रही है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एंड ये रेड स्नैपर, ओह सॉरी, हाँ सॉरी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, साजदा बात कर रही हूँ कराची से। साजदा, साजदा आपकी कोई है? मेरी पप्पो, पप्पो की कॉल मिल गई जी, जी। वाह भाई वाह, पप्पो कैसा लग रहा है? माहिम कर रही हूँ जी। माहिम बात कर लो, तुम्हारी ही पप्पो है। वालेकुम सलाम, क्या हाल बच्चा? ठीक हो? बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। थैंक यू पप्पो, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भाई आज तो माहिम ने कमाल कर दिया, वाकई में हमें ये रेसिपीज बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं किरण, वैसे भी माशाल्लाह बच्ची मेरी बहुत ब्रिलियंट है। हाँ। और माशाल्लाह ये खाने अच्छे बनाती है, टेस्ट है उसके हाथ में। हाँ। और अक्सर हमारी गेट टुगेदर पार्टीज होती हैं तो उसमें ये बनाती है हमारे लिए। अच्छा, और माहिम की फूफो को कितना शौक है खाना बनाने का? मुझे भी है लेकिन बहुत ज्यादा शौक नहीं है। अच्छा, पाकिस्तानी खाने अच्छे बना लेते हैं और चाइनीज वगैरह बस। अच्छा, नहीं तो आप सीखे ना ये रेसिपीज, इससे ले लिया करें। नहीं लेती, रेसिपी लूंगी इंशाल्लाह ताला, ट्राई करती हूँ मैं। हाँ, वो कहती होंगी कि मैं इसी कोई बोल दूंगी बना देगी, क्या ट्राई करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करती, ऐसे नहीं करती हैं। बच्चों की अपनी लाइफ है, हाँ बच्चे खुशी से बना दे तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। सही है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा कर रही है माहिम, ऑल परफेक्ट। बहुत अच्छा, आगे अल्लाह पाक तरक्कियां और देश का फिक्र अल्लाह पाक अच्छा करे। आमीन, अल्लाह ने मेरी दुआ के लिए। आमीन। अच्छा, आप करेंगी अपने आप से कमिटमेंट इस नए साल में कि अच्छा सोचूंगी, बस सिर्फ अच्छा सोचूंगी? बिल्कुल किरण, मेरी तो ये ख्वाहिश होती है कि सभी लोग अच्छा सोचे दूसरे के लिए। हाँ, तो मैं खुद भी ना सभी के काम आने की कोशिश करती हूँ। सही है, सही है। आप टीचिंग करती हैं? जी बिल्कुल टीचिंग करती हूं। ठीक है, चलें आप शो एंजॉय करें। अम्मी भी खुश हो गई, वहाँ बैठी मुस्कुरा रही हैं। वो तो नंद हुई ना, नंद की कॉल थी। हाँ, भाभी बैठी हुई मुस्कुरा रही। अच्छा जी, चिकन फिश हो गई, हमारी ऑलमोस्ट सील हो चुकी है। सही, यहाँ पे बटर सॉस के लिए जो करना है वो हम शुरू कर। बिल्कुल, मैं लेमन डाल रही है, बस हमने लेमन डालना है। इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस करेंगे लेमन को। ठीक है, अच्छा कुक करेंगे, जब रिड्यूस हो जाएगा हाँ उसके बाद हम इसमें बटर डालेंगे। और बट हाफ रिड्यूस होने के बाद लेमन इसको हटा लेंगे हम सॉस को थोड़ी देर, ताकि टेम्परेचर इसका थोड़ा डाउन हो जाए। सही है, बटर हमें मेल्ट नहीं करना, उसकी सॉस बनानी। अच्छा, क्रीमी सा टेक्सचर, क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। एंड सॉल्ट एंड पेपर ऐड करेंगे हम लोग। अच्छा, सिंपल है, सिंपल है बिल्कुल, बट फिश का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसके साथ। सही है, इसको रिड्यूस करेंगे, थोड़ा बटर डालेंगे, बिल्कुल नमक, काली मिर्च, ये सिंपल बटर सिंपल। और इसके साथ आपने ये, मतलब अभी हम इसको सील करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। हाँ, फिश के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। हाँ ये बता दो, ताकि फिर हम क्रीम क्रीम कह रही हूँ, फिर हम ब्रेक ले लें, ब्रेक पर चले जाएंगे। अच्छा, अब आया थोड़ा सा बटर, बटर एंड हम साथ में इसको डालेंगे रोजमेरी लीव। अच्छा, खूब रोजमेरी लीव इस्तेमाल कर रही है। नहीं लिया तो आप लोग जो ड्राई मिलता है आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। और भी कुछ जाएगा इसमें? नहीं, बस अब हम इसे यूँ करके, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसका फ्लेवर हम लोग। और बस सिंपल और मज़ेदार, वैसे ही मज़े की लगी। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, जब तक हम ये लेमन को रिड्यूस करके इसमें बटर, नमक, काली मिर्च डालते हैं और इसका क्रीमी बटर सा सॉस बनाते हैं। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए। फिश विद लेमन बटर। अच्छा, फिश फिले 2 अदद, मैदा 20 ग्राम, मक्खन 30 ग्राम, नींबू रस 1 अदद, पिसी काली मिर्च हसबे ज़रूरत, नमक हसबे ज़रूरत, रोजमेरी 2 चाय के चमचे। तरकीब, बोल में मैदा और फिश फिले डालकर अच्छी तरह कोट करें, पैन को दरमियानी आंच पर गर्म करके मक्खन पिघला लें। अब कोट किए हुए फिले रखकर नमक और काली मिर्च डालकर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करें और चूल्हा बंद करके फिश फिले निकाल लें। फिर पैन में बाकी मक्खन गर्म करके नींबू का रस मिलाएं, उसके बाद रोजमेरी डालकर मिक्स करें। सॉस गाढ़ी हो जाए तो चूल्हा बंद करके फिश फिले पर सॉस डाल दें। आखिर में मैश पोटैटोस के साथ सर्व करें। हाँ जी, फिश भी तैयार है, सिर्फ इसकी प्लेटिंग कर रहे हैं। अच्छा ये देख लें, लेमन को थोड़ा सा रिड्यूस किया था, उसके बाद में चूल्हे से हटाकर आपने वो बटर डाला था और नमक काली मिर्च, सिंपल लेमन बटर सॉस के साथ हमने सिंपल फिश को सिर्फ आपने नमक काली मिर्च फ्लावर कॉर्नफ्लावर के साथ कॉर्नफ्लावर नहीं मैदा मैदे के साथ हमने कुकिंग ऑयल लिया किफ़ाया का
और उसमें बाद में जब सील हो गया अच्छे से कुक करके कलर आ गया तो थोड़ा सा बटर डाला था दैट्स इट। और वेजिटेबल्स को सौते किया है उसी तरह से सीजनिंग डाल के, बटर में आप कर सकते हैं, गार्लिक डाल सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, और ये आपकी फ़िश तैयार है, मज़ेदार सी। हाँ ये हम कीवी डाल रहे हैं। अब आ जाए ज़रा मीठे पे। हाँ भाई वो चिकन हो गई, वो डेकोरेट करने इनकी टीम जो है वो गई हुई है, अभी तक डेकोरेट कर रही है। अच्छा फाइव टेबल स्पून हम इसमें शुगर डाल रहे हैं जैम के लिए। हाँ और ये मीठा है, कॉकटेल है कोई? हाँ जी, ये कीवी फ्रूट आपने लिया? जी बिल्कुल। और उसमें एक बड़ा साइज का कीवी या नहीं, दो? ये फाइव थे, पाँच कीवी थे। ठीक है, और उसमें आपने शुगर डाला मैंने। आज की रेसिपी जिसने चुन के लिए ना, वो वाली इंग्रेडिएंट्स जो शायद मुश्किल से मिलती हैं वो वाली बनाती हूँ मैं। अच्छा पम्पकिन सूप मैंने जब टेस्ट किया, किधर गया पम्पकिन सूप? पम्पकिन सूप भी उधर चला गया, डेकोरेट प्रेजेंटेशन हो रही है। एंड में सिर्फ हमने उसमें नमक डाला था और काली मिर्च डाली थी जो कि शुरू में हमने नहीं डाला था। केसर ऑप्शनल है। हाँ जो ज़्यादातर लोग पसंद, केवड़ा, केसर क्या? ज़ाफरान। हाँ ठीक है। अच्छा तो वो आप साबित ज़ाफरान या उसका एसेंस या नहीं, वो पानी में साबुत था लाइक जो फ्रेश होता है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ज़ाफरान ऑप्शनल है। लेकिन उसमें हमने जो काजू का पेस्ट डाला था उसके बाद मैंने फ्लेवर चेक किया तो मैंने कहा नमक नहीं है, कहीं सीजनिंग अभी डालेंगे तो एंड में वो बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर का सूप बिल्कुल है। और थोड़ा सा थिक सा है वो, बिल्कुल पतला नहीं है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के उसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं अगर चाहे। मैं अभी आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। बटर कम मिला है हमें, बटर और चाहिए बख्तियार, बटर और है तो वो दे दीजिए। जैम तैयार है बस हमारा। अच्छा ये कीवी का जैम बनाया है जी। अच्छा और इसके साथ ये कुछ लेयरिंग करोगी? जी बिल्कुल। डिश है आपके पास? मैं दूँ आपको, ये कॉकटेल ग्लासेस हैं। अच्छा बेसिकली इसका नाम कीवी कॉकटेल है तो हम लोग इसको उसी तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस मीठे में भी कुकिंग है, मुझे नहीं पता था, तो चूल्हे शूल्हे बंद कर दिए थे। ये हमारा जैम तैयार है। बोल सही। और ये बिस्किट का चूरा है? जी बिल्कुल, बस ये सादे बिस्किट जी। ठीक है, डाइजेस्टिव जो होता है। ठीक है, कोई भी व्हीट बिस्किट आप ले लें। अच्छा हमारे पास ना संडिप के ये जैम भी हैं, क्या नाम बटर है? माहीन आपको अगर ये चाहिए, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लेना पसंद करूंगी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैं लेयरिंग में यूज करूंगी, कीवी के साथ स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर। एक्चुअली हमने कल भी स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल किया था, ये लो स्ट्रॉबेरी संडिप का ये जैम हमारे पास है। संडिप की सॉसेज भी, चाइनीज सॉसेज भी जो हैं वो हमने इस्तेमाल किए हैं। और अच्छी खुशबू आई, ये खोला ना मैंने दम से स्ट्रॉबेरी की, इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। वहाँ पर कीवी का जैम बन रहा है। अच्छा ये आपने क्या किया? बटर को जस्ट मैं थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ, इसके साथ हम क्रम करेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो जो प्लेन हम लोग नॉर्मल करते हैं उसके क्रस्ट बनाने के लिए नीचे। सही है, एंड उसके बाद बस सिंपल है, हम जैम के साथ उसकी लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सही है। अच्छा हम क्रीम को बीट कर लेंगे। नॉर्मल टेट्रा पैक की क्रीम है जी? ये टेट्रा पैक है, 3 टेट्रा पैक क्रीम मिली थी मैंने। अच्छा एंड कॉकटेल हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं क्रीम के अंदर। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो क्रीम को बीट करके मिक्स करोगी या उसके साथ ही बीट करोगी? अभी इसके साथ मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ। हाँ बट जो विप क्रीम है हमारी हम उससे प्रॉपर मिक्स। अच्छा विप क्रीम अलग है जी। ये है, ये भी डन होगा ऑलमोस्ट नियर टू। ठीक है, ये नॉर्मल क्रीम है टेट्रा पैक की, इसमें हम फ्रूट कॉकटेल मिक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे दोबारा हैंड वॉश। कोई भी आप फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप सीजन के। बिल्कुल सीजन के। सही है, माहीन हो गया वैसे आपका काम सारा, सूप भी तैयार हो गया, चिकन भी और ये फिश भी। यार ये फिश की मैं थोड़ी सी ऐसी सॉस चख लेती हूँ, खाली लेमन बटर सॉस ना। ज़रूर, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। अब मछली तोड़ूंगी तो उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। इट्स ओके, आप टेस्ट कर लो। खाना आनू की सालों की खाना मैंने नहीं खाना आपने नहीं? क्यों? तस्वीरें होंगी ना इसकी। ओ okay. और मछली ब्रेक हो जाए तो समझो फेल हो गई है ना। Welcome. शेफ्स ने यही सिखाया होगा, मछली अगर टूट गई तो आप फेल हो गए। मैंने जो कॉम्पिटिशन में बनाई थी वो सामन बनाई थी। उसका भी फ्लेवर बहुत बहुत अच्छा था, वो तो है ही, बहुत रेयर फिश है वो। ज़्यादा ही ठीक है। क्रीम के साथ फ्रूट, यहाँ पे बटर हमने मिक्स कर दिया बिस्किट में, यहाँ पर कीवी का, ये एक थोड़ी सी एडिशन है कीवी का जो आपने जैम बनाया है। इसको मैश तो नहीं करना? नहीं नहीं ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और बाकी कुछ है? नहीं
अब ब्रेक आ रही है और हम ये विप कर लेंगे उसके अंदर. ठीक है, ये भी टेट्रापैक की क्रीम है जी, मगर इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी जैम डालेंगे. ठीक है, लेयरिंग के लिए, क्योंकि हमारी ग्रीन एंड स्ट्रॉबेरी जैम की जो लेयरिंग आएगी क्रीम के साथ बहुत यूनिक लगेगा. अच्छा ठीक है. नहीं तो अभी इस वक्त बीट करते हुए डालोगी जैम जी, मिक्स कर डाल लेते हैं थोड़ा सा और मैं बीटर चलाती हूँ. चले बीटर लगाते हैं हम, ब्रेक ले लेते हैं जब तक बीट करके रखते हैं. एक आध हम जो है वो बना लेंगे कॉकटेल का सर्विंग के लिए और एक आपके सामने बना लेंगे. ब्रेक ले लीजिए. जो भी खाए कहता जाए ला दीदी कैस प्यार बढ़ाए, ला दीदी कैस, ला दीदी कैस, ला दीदी कैस. कीवी कॉकटेल अरसा, कीवी 500 ग्राम, चीनी 5 से 6 खाने के चमचे, क्रीम 3 पैकेट, क्रीम चीज 5 खाने के चमचे, चूरा बिस्किट्स 1 कप, कॉकटेल आधा टिन, मक्खन 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची हसबे जरूरत, चेरीज गार्निश के लिए. तरकीब, सॉस पैन में कीवी और चीनी डालकर 4 से 6 मिनट पकाएं और निकाल के ठंडा कर लें. अब बिस्किट्स का चूरा मक्खन में मिक्स करके फ्रिज में रखें, फिर क्रीम, क्रीम चीज, कॉकटेल और पिसी इलायची डालकर मिक्स कर लें. इसके बाद डिश में लेयर लगाएं और चेरीज से गार्निश करके सर्व करें. भाई हम तीन जो हैं यहाँ पर हैं और आंटी अस्सलाम वालेकुम भाई, ये माहीन की अम्मी है और माहीन इन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से आपको मोटिवेट बकअप किया है और सपोर्ट किया है और आप ही के उसकी चाह की वजह से ना ये आज यहाँ पर है. आप आपने ख्वाहिश की थी ना आपसे मिलने के लिए मैंने इसको शेफ बना दिया शेफ बना दिया कि हाँ किसी ना किसी तरीके से ये मसाला चैनल पे तो जाए किरण से मुलाकात. हाँ लेकिन भाई ये चिकन मेरे सामने रखी हुई है और आप इसकी सर्विंग देख लीजिए, जो जिस तरीके से इन्होंने सर्व किया है, वो जो कद्दू का सूप था उस पम्पकिन का, उसको पहले पूरा नीचे बिछाया बैठ करके और उसके ऊपर वो मैश पोटैटोज रख के ऐसा सर्व किया है. इतना कोई प्रोफेशनल अंदाज लग रहा है ना. अच्छा और ये क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं तो इन्होंने फ़िश के प्लेटर को भी बड़े अच्छे से सजाया, एक एक चीज़ की जिसे कहते हैं ना माइन्यूट डिटेल्स पे गौर करें. इसकी लेयर्स आप लोग देख लें, ये सिंपल मीठा था जिसमें हमने बिस्किट का मक्खन के साथ मिक्स करके क्रीम में हमने संडिप का स्ट्रॉबेरी जैम मिक्स किया. आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं. इसके अलावा क्रीम में आपने फ्रूट कॉकटेल, अब ये डिफरेंट लेयर्स थे और कीवी का आपने जैम भी बनाया. लेकिन चिकन का जो फ्लेवर है ना, ओए होए होए, अब इतने कोई मजे की ये देखें सॉफ्ट, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट, ये इतनी सॉफ्ट है कि इसका कोई, ये देखें मुझे तो यकीन नहीं आता, ये देखें इतनी सॉफ्ट है. एक साल से कुछ ठीक बना के घर में नहीं खाया. ये लीजिए खाइए, एंजॉय कीजिए आप चिकन. भाई माहीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हर चीज हो गया टाइम पे. दिस इज़ अ परफेक्ट रेसिपी, ये ज़रूर आप बनाइएगा. फिश आप ज़रूर बनाइएगा, बटर मशरूम्स अमेजिंग. एंड थैंक यू टीम, माहीन के साथ जो टीम आई थी, इनके कोलीग्स आए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और आप लोगों के लिए एनिक्स का जंबो सैंडविच मेकर जाएगा, इसको साथ लेकर जाइएगा. बनाया इतना अच्छा, दिल तो चाह रहा है कि दो गिफ्ट दे दूँ एनिक्स के आपको ना. थैंक यू बट आंटी, थैंक यू सो मच. और हमारी दुआएं हैं भाई आपकी बेटी के साथ, इसको और कामयाबी मिले. इसने जो सोचा हुआ है मास्टर शेफ में, इसने जाना है इंटरनेशनल. बस इसको हाँ हाँ हाई सीसी है. ठीक है जी, सही है जी. ये था हमारा आज का शो और रात में रिपीट होगा, ज़रूर देख लीजिएगा, 9 बजे ज़रूर देख लेना. और इसी तरह से हम लोग आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, नए टैलेंट से नई रेसिपी सिखाते रहेंगे. एक वादा ज़रूर कर लीजिएगा अपने आप से कि बस इस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है और कुछ भी नहीं सोचना है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चलाना है. अगर अपनी फ़िक्र करनी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, तो अच्छा चलाना है. मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. अच्छी सोच को जारी रखिए. खुदा हाफिज़. ला दीदी कैस प्यार बढ़ाए, ला दीदी कैस, ला दीदी कैस, ला दीदी कैस, ला दीदी कैस. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए
weekend. Lively weekends, lively weekends. Har ghar mein jab sab hote hain saath, hoti hai pyaar.